हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हमारे अपार्टमेंट में गणपति जी रखे हुए हैं और सारे फ्लैट में से सबका एक एक दिन नंबर आता है, मैंने आपको बताया था। तो आज हमें मौका मिला है गणपति जी को भोग लगाने का, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ और 10 बजे के पहले हमें नीचे जाना है सारा भोग बना के। तो सबसे पहले मैंने बना लिया है सूजी का हलवा और इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। ये हलवा बनके रेडी हो गया। अब मैं बनाऊँगी नेक्स्ट आइटम। अब मैं बना रही हूँ काले वाला चना फ्राई। उसके लिए मैंने चना को रात में ही भिगो दिया था और सुबह सीटी लगा के साइड रख दिया था। अभी मैं क्या की हूँ, हींग, करी लीफ, रेड चिली, ग्रीन चिली और जीरा वगैरह का तड़का लगा के सिंपली चने को फ्राई कर लेंगे। मैं प्रसाद में टोटल 5 आइटम बना रही हूँ, 2 स्वीट बना रही हूँ और 3 नमक वाले आइटम बना रही हूँ। इनमें से 2 आइटम बनके रेडी हो गए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। उसके लिए मैंने साबूदाना रात में ही भिगो दिया था। लगभग मैंने 1/2 किलो से ज़्यादा साबूदाना भिगोया था। अभी मैंने आलू कट करके वो फ्राई कर दे रही हूँ। उसके बाद करी लीव और ग्रीन चिली ये सब मिक्स कर दे रही हूँ। साथ ही साथ उधर मैंने ढक दिया है, आलू पक रहे हैं, और इधर मैं कस्टर्ड रेडी कर रही हूँ। मैंने कस्टर्ड साइड में बना लिया था, अब ठंडा हो गया है तो मैं इसमें सारे फ्रूट ऐड कर दे रही हूँ। हस्बैंड ने फ्रूट कट करके रख दिया था तो मैं सब मिक्स कर दे रही हूँ। और इधर ये आलू हो गए हैं तो मैं साबूदाना मिक्स कर लूँगी। और साबूदाना मिक्स करके मैं क्या करूँगी ना, ढक ढक के पकाऊँगी। एक्चुअली ना कढ़ाई छोटी है तो थोड़ा सा मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं इधर बना रही हूँ सिंपली मूंग के दाल की खिचड़ी। यहाँ पे ना राइस का आइटम ज़रूर चढ़ता है भगवान जी को प्रसाद में, तो मैंने सोचा खिचड़ी बना देती हूँ मैं। तो मैंने राइस और मूंग की दाल भिगो के रख दिया था, मतलब वॉश करके रख दिया था, और सिंपली करी लीव, ग्रीन चिली वगैरह डाल के और इसमें थोड़े मसाले डाल दिए हैं, जैसे धनिया पाउडर, चिली पाउडर, गर्म मसाला हल्का डाल के, और सिंपली नींबू भी डाल दिया था। और मैंने कुक करने के लिए रख दिया कुकर में। और इधर साबूदाना खिचड़ी बनके रेडी हो गई है। और ये मेरे सारे आइटम, सारा प्रसाद बनके रेडी हो गया है। खिचड़ी, कस्टर्ड और नेक्स्ट है साबूदाने की खिचड़ी, और इधर है चना फ्राई, और ये है हलवा। हलवा बहुत ही अच्छा बना था। प्रसाद बनाने के बाद मैं उधर रेडी होने चली गई थी। मैंने पहनी थी बनारसी साड़ी और जूड़ा उड़ा बना लिया था क्योंकि हमें पूजा में बैठना था, इसलिए हमने साड़ी पहनी थी। और ये देखिए हम आ गए हैं नीचे पूजा के लिए, और पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इधर मेरे हस्बैंड और वीर दोनों ने बढ़िया ग्रीन ग्रीन कुर्ता पहना है। लड्डू निका भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दयावंत चार भुजा तारी, माते सिंदूर सोहे मूस की सवारी, अंधन को आंख देत को इनको काया, बांझन को देत निर्धन को माया, सूर श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश सेवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश। पूजा कंप्लीट होने के बाद हमने प्रसाद बांटा और आज गणपति विसर्जन भी था तो हमने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद अब फिर नीचे आ गए भंडारा के लिए। बड़ा राइस, औरों का नाम ही नहीं पता, प्लेन राइस। थैंक यू। इधर वीर भी काम में लगा हुआ है। आपको वीर थोड़ा डल भी लग रहा होगा क्योंकि उसको फीवर भी आ रही थी, उसके बाद भी वो पूरे मजे कर रहा है, पूरा लगा हुआ है इधर। Thank you.
तो गणपति जी फाइनली निकल गए हैं निमज्जन के लिए, और बाकी के हम लोग जो बच्चे थे सभी स्कूटी बाइक वगैरह से यहाँ पहुँच गए हैं। मैं भी अपनी स्कूटी लेके पहुँच गई हूँ जहाँ पे गणपति जी का निमज्जन होना है। I get to see that.